नमस्कार दोस्तों दोस्तों आरसीसी सेफ्टी टैंक रिंग को कैसे इंस्टॉल करना है आज हम उसी बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई आरसीसी सेफ्टी टैंक रिंग क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सेफ्टी टैंक जो बनाते हैं वो ब्रिक वर्क का चाहे फुल्ली आरसीसी मतलब एक्सपेंशन करके बनाते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं भी टेम्प्रोरी बनाना हो सेफ्टी टैंक तो उस समय प्लास्टिक का भी आता है एमएस का भी आता है, लेकिन वो इतना हैवी होता है कि उसको जो है एग्जीक्यूशन करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और आरसीसी का भी जो है रेडीमेड आता है, लेकिन उसको उठा करके लाना फिर उसको एग्जीक्यूशन करना मतलब इंस्टॉल करना उसमें भी बहुत दिक्कत होता है। इसलिए जो है सर्कुलर रिंग टाइप का एक एक फीट हाइट का और डाया 3 फीट का आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उसको जो है एक एक करके इंस्टॉल करना है, फिर उसको पूरा सील कर देना है। उसके बाद जो है इसमें पूरा अच्छी तरीके से जब आपका सेफ्टी टैंक इंस्टॉल हो गया तो ये एक आसान तरीका है। तो हम चलते हैं इसका प्रोसेस को लेकर के। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये अवेलेबल है आपका मार्केट में। अगर हम इसका साइज़ की बात करें तो हाइट आप मैंने 1 फीट बताया, और रिंग की साइज़ की बात करें 3 फीट का रहेगा डाया का, और थिकनेस आपका 25 mm और 50 mm का भी आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और अब क्या करना है, इसके बाद हमें जो है एक्सकेवेशन गड्ढा खोदना। आप जितना फिट का लगाना चाहते हैं 5 फिट हो 6 फिट हो, मान लें मैंने 6 फिट का गड्ढा खोदा, तो 6 फिट का गड्ढा खोद करके फिर नीचे में अच्छी तरीके से पीसीसी कर देना है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। पीसीसी कर देंगे फिर तब जा करके उसको एक एक करके हमें जो है ये इंस्टॉल करना है रिंग को। और इसमें बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। इसको अगर आप चाहे तो हल्का है तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा भारी है तो आपको जो है मशीन से भी करना पड़ेगा, चाहे हाइड्रा हो चाहे जेसीबी हो। तो ये हो जाने के बाद जो है इसके बाद आता है पूरा इंस्टॉल कर देंगे, पीसीसी होने के बाद इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो गैप है उसको जो है सील कर देना है मोटर से, मतलब कि सीमेंट सैंड का मोटर बनाना है उससे जो है सील कर देना है। और उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद जो है इनलेट और आउटलेट पाइप लगाना है, और एक जो है वेंट पाइप ऊपर दे देना है। इनलेट आपका जो बाथरूम से आते हुए आएगा और आउटलेट जो है चला जाएगा आपका सोक पिट में। आपको एक सोक पिट बनाना पड़ेगा जो कि ओवरफ्लो पानी वहाँ स्टॉक होगा, एक वेंट पाइप रहेगा जो डायरेक्ट ऊपर निकलेगा। फिर उसके बाद जो है उसको अच्छी तरीके से कवर कर देना है। कवर करने के बाद ये आपका रेडी हो गया आपका सेफ्टी टैंक। तो दोस्तों अगर आप ये करवाना चाहते हैं बहुत ही जो है चीपेस्ट है। अब आप बोलेंगे एक रिंग का दाम कितना होगा, एक रिंग का दाम आपका मार्केट में 500 रुपये से लेकर के 600 रुपये तक में अवेलेबल मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।